टहरौली को जिला बनाओ का दो दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ खत्म। टहरौली को जिला बनाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एवं प्रधान बाबू सिंह यादव पिछले कई वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि टहरौली को जिला बनाया जाए, और अपनी इसी मांग को लेकर बाबू सिंह यादव के नेतृत्व में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन तहसील प्रांगण टहरौली में किया गया, जिसमें दूसरे दिन जिला बनाने की मांग को लेकर तहसीलदार टहरौली को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हरगोविंद कुशवाहा एवं आरपी निरंजन के साथ बाबू सिंह यादव एवं अनेक क्षेत्रवासियों ने एकजुट होकर ज्ञापन दिया। पूरे प्रशासन से टहरौली को जिला बनाए, और टहरौली की जनता से अपील है कि जनशक्ति के रूप में आंदोलन करें ताकि जिला बनाने के लिए सरकार मजबूर हो। तहसीलदार साहब को जिला बनाने के संबंध में इसमें सर आप क्या क्या शर्त रखें? शर्त नहीं, हमारा कहने का ये है कि हमारे बाबू सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, दो तीन बार दिया, उनकी चिट्ठी आई कि टहरौली के जिला बनाने की संभावना के लिए प्रताप भेजो, जिन्हें यही मांग की है कि आप इसको ये भेजिए कि टहरौली को जिला बनाया जा सकता है, और संभावनाएं हैं भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जो हिस्ट्री है, इस प्रकार से जो जिले की अहर्ताएँ क्वालिफिकेशन वो पूरी करते हैं। तो आपको सर क्या लगा, मतलब उनके आचार विचारों से क्या लगा कि मैंने आपकी बात ऊपर तक पहुँचा सकते हैं? एक बात तो ये है कि ऊपर तक अपनी आवाज़ कल से चल रही है जी, आम जनता के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसकी आवाज़ महत्वपूर्ण होती है, अधिकारी के आवाज़ को कोई महत्वपूर्ण मैं नहीं समझता। इसके बाद भी मेरे को विश्वास है कि तहसीलदार साहब को जो ज्ञापन दिया है वो मुख्यमंत्री तक पहुँच जाएगा, और नहीं पहुँच भी जाएगा और कार्रवाई नहीं होगी तो आप मेरे स्वभाव से परिचित हैं, अनशन आमरण अनशन लकड़ी कंडे के साथ आत्मघाते ही करते हैं। टहरौली से देवेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।